नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है सीआईईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन इंटरैक्टिव कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना। दसवीं कक्षा के सभी छात्र हमारे साथ इस विज्ञान के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई प्रश्न है तो हम तक पहुंचा भी सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस। तो आपके सवाल हम तक पहुंचे इसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं। सबसे पहला हम आपको बताना चाहेंगे, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर है 8800440559। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर, और साथ ही साथ आप हमें अगर ईमेल करना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class10@cit.nic.in। इन सभी माध्यमों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे टिकर के फॉर्म में पूरे इस कार्यक्रम के दौरान। तो आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आइए परिचय करवाएंगे हम आपको हमारे मेहमान से। हमारे साथ है मिस्टर सुशील कुमार, स्वागत है सर आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर, इस इंटरैक्टिव सेशन में स्वागत करते हैं सभी बच्चों का। जी सर, सर हैं पीजीटी बायोलॉजी में केंद्रीय विद्यालय एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू नेपाल से। और चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं और लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम सर से जानना चाहेंगे कि सर आज का ये जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम क्या सीखने क्या समझने वाले हैं, क्या आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएंगे एक आउटलाइन। बिल्कुल बिल्कुल तानवी मैम, चूंकि दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एज पर टुडेज टॉपिक इज कंसर्न, सो आई वुड लाइक टू इमेजिन माय स्टूडेंट दैट हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन दैट व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज लाइव। सो हम अगर अपने आसपास देखते हैं कि कोई जीव जंतु, जैसे कि अगर डॉग दौड़ रहा है या गाय है जो जुगाली कर रही है अपना खाना खा रही, या फिर गली में एक इंसान को जोर से हम शाउटिंग करते हुए चीखते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि ही इज अलाइव, मतलब वी नो दैट दीज आर द लिविंग थिंग्स। सो देयर आर सम पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन एसर्टेन दैट समथिंग इज अलाइव और समथिंग इज नॉट अलाइव। सो लेकिन इन सबको हम कैसे जानेंगे, तो आप लेकिन अगर हमारे बच्चों को हम कहें कि उन पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि ये सजीव है, क्योंकि पौधे तो वैसे तो हमें आपको हरे दिखते हैं लेकिन आप अगर पौधों की पत्तियां हरे रंग की ना हो के अन्य रंग की हुई तो हम कैसे उन्हें अलाइव कहेंगे। तो आप बच्चे देखते होंगे कि उनमें थोड़ी ग्रोथ होती है लेकिन वो ग्रोथ बहुत सूक्ष्म स्तर पर होती, बहुत कहते हैं मीजरेबल नहीं होती, और उस ग्रोथ को नापने के लिए हमारे बच्चों को शायद पता भी होगा कि हमारे देश के एक वैज्ञानिक हुए हैं सर जेसी बोस साहब, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया था उसे क्रिस्कोग्राफ कहते हैं, तो उसके द्वारा जो प्लांट में बहुत ही सूक्ष्म ग्रोथ होती हैं जिन्हें हम और आप लोग आमतौर पर मीजर नहीं कर पाते तो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मीजर कर सकते हैं। तो हम अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति सजीव है, कोई लिविंग थिंग लाइव है, तो सामान्य प्रमाण के तौर पे बच्चों हम यही कहते हैं कि उनमें कुछ करेक्टर्स होने चाहिए, जैसे कि उनमें सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला करेक्टर है कि उनमें ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक जगह से दूसरी जगह वो जाना चाहिए, अर्थात वो लोकोमोशन शो करना चाहिए, ये भी आप लोगों ने। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लाइफ प्रोसेस होती हैं जैसे हम और आप लोग डाइजेशन मतलब भोजन करते हैं, ऐसे ही और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अपने आसपास की चीज़ों से भोजन लेते हैं या फिर वो भोजन बनाते हैं। तो ये सारे जो गुण होता है न्यूट्रिशन लेने का, ये भी एक प्रकार की लाइफ प्रोसेस का हुआ। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एक्सक्रीशन होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर श्वसन जैसी गतिविधियां भी होती हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि अति सूक्ष्म स्केल पर, जो कि बहुत ही मॉलिकुलर लेवल पर, अगर जो गतियां हैं वो अगर हम देखना चाहें तो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए हम अगर आपसे बच्चों बात करें कि अणुओं की गति, जैसे कि मॉलिकुलर मूवमेंट होती है, तो हम उन्हें नहीं देख पाते जब तक कि हमें कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ना मिले। ऐसे ही हमारे आसपास
तमाम प्रकार के विषाणु जिन्हें हम वायरस कहते हैं वो भी पाए जाते हैं, जीवाणु जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट के अलावा अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो ये इनमें से कुछ लिविंग में आते हैं, कुछ नॉन लिविंग में आते हैं, और कुछ लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक हैं, मतलब उनके अंदर लिविंग के भी करेक्टर पाए जा रहे और नॉन लिविंग के भी करेक्टर पाए जा रहे। जैसे हम आपको एक उदाहरण से बताना चाहें, जैसे वायरस होते हैं, आप लोगों ने 2-3 साल पहले खूब अच्छे से इस वायरस का नाम खूब सबकी जुबान पे था, जिसे हम कोरोना वायरस कहते थे। ऐसे ही कई अलग अलग वायरस होते हैं, लेकिन वायरस के साथ ये एक दिक्कत होती है कि जब वायरस बाहर अगर एटमॉस्फेयर में है तो वो नॉन लिविंग थिंग की तरह रहेगा, लेकिन एज सून एज इट गेट एंट्री इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंच जाता है, अर्थात किसी कोशिका को संक्रमित कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, तो फिर वो उसके अंदर ग्रोथ होने लगती है, उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन होने लगता है। इसके पीछे का जो कारण है बच्चों, कि मैनी साइंटिस्ट आर्ग्यू डेट इवन दो वायरसेस कैन यूज अदर सेल्स और टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, एक्चुअली दे डिड नॉट हैव इट्स ऑन जेनेटिक मशीनरी फॉर रिप्लीकेशन, और एज सून एज दे इंटर इनटू द लिविंग सेल ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, अदर लिविंग थिंग्स, सो दे यूज द जेनेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट जिसको वो इन्फेक्ट करते हैं, इसके आधार पर वो वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो कुल मिला के ये हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कुछ लाइफ प्रोसेस होती हैं जिनके आधार पर हम किसी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कह सकते हैं, किसी को नॉन लिविंग कह सकते हैं, और ये सारे कुछ सिस्टम्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने चाहिए। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहली बात होती है कि पोषण की, अर्थात न्यूट्रिशन की। सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। न्यूट्रिशन के लिए आमतौर पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड होता है कि उसे कार्बन सोर्स की ज़रूरत होती, इसके अलावा कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी चीज़ों की ज़रूरत होती, लेकिन बेसिक रूप से उन ऑर्गेनिज्म को कार्बन की ज़रूरत होती, मतलब वो कुछ ऐसी अपनी मैकेनिज्म डेवलप करते हैं जिसके आधार पर या तो वो स्वयं कार्बन को फिक्स कर सकें, या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर हैं, दूसरे जीवधारी के ऊपर निर्भर हैं, दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर निर्भर हैं, तो वो फिक्स्ड कार्बन को ले सकें। जितनी भी धरती पर जीवन पाया जाता है, ये जो जीवन है ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर आधारित है, मतलब जितना भी रॉ मटेरियल हम और आप लोग देख रहे हैं, ऑर्गेनिक थिंग देख रहे हैं, इसमें सब जगह कार्बन है, और डिपेंडिंग ऑन द कि किस प्रकार का पोषण ऑर्गेनिज्म अपना ले रहा है, आइदर इट इज ऑटोट्रॉपिक, आइदर इट इज हेटरोट्रॉपिक, मतलब ऑटोट्रॉपिक का मतलब बच्चों ऐसा हुआ हिंदी में से हम स्वपोषी कहती, मतलब ये एक प्रकार का ऐसा पोषण हुआ है, इस प्रकार का न्यूट्रिशन हुआ जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना स्वयं का भोजन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल जो कि उनकी पत्तियों में पाया जाता है, अपना भोजन ये सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषित करते हैं। और जितने भी स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं, इनके अंतर्गत सभी प्रकार के ग्रीन प्लांट आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं, सभी बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ अलग कैटेगरी में आते हैं, मतलब हेटरोट्रॉपिक कैटेगरी में भी आ सकती हैं। दूसरे प्रकार के जो धरती पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, मतलब ये एक प्रकार का ऐसा न्यूट्रिशन हुआ जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन या तो वो सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करे, मतलब डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे वो ग्रो हो, इस प्रकार का न्यूट्रिशन कहलाता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो कवक होते हैं जिन्हें हम फंजाई कहते हैं इंग्लिश में, वो इस प्रकार का न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, मतलब वो सड़ी गली चीज़ों पर, कोई डेड एंड डिकेइंग एंड रोटेन सब्सटेंस पर वो ग्रो होते हैं और वहीं से वो अपना भोजन लेते हैं। जैसे एक फंगस जो हम और आप लोग अपने भोजन में भी उसको अपने रखते हैं, उसे हम मशरूम कहते हैं। इसके अलावा फंगस से हमें और आपको बहुत सारी एंटीबायोटिक भी प्राप्त होती हैं बच्चों, और फंगस से हमें कई सारी खाने वाली चीज़ें, न्यूट्रिशियस चीज़ें भी प्राप्त होती, और लेकिन बहुत सारे फंगस ऐसे भी होते हैं जो हमें रोग फैलाते हैं, अर्थात वो पैथोजेनिक होती,
तो ये आपको समझ में आया होगा कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक प्रकार का न्यूट्रिशन तो वो हुआ जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हो गया, और दूसरे प्रकार का न्यूट्रिशन वो हुआ जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाया। मतलब इसमें क्या है कि जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एक जीवित जीवधारी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने पोषण के लिए डिपेंड है, अपने पोषण के लिए निर्भर है। हम कह सकते हैं कि जो पैरासाइट होता है वो किसी होस्ट पर आश्रित होता है अपने भोजन के लिए, लेकिन उसको मारता नहीं है, विदाउट किलिंग देम वो अपना भोजन वहाँ से लेता रहता है। जैसे बहुत ही एक फेमस एग्जाम्पल है जो आप और लोग अपने आसपास देखते हैं, जब हम खेतों की तरफ जाते हैं तो हमारे बच्चों ने देखा होगा कि एक एक प्लांट होता है जिसे कहते हैं कुशकुटा, कुशकुटा रिफ्लेक्सा। ये एक प्रकार का ऐसा प्लांट है जो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। मतलब ये जैसा कि स्लाइड में हमारे बच्चे देख पा रहे होंगे, जो एक प्लांट जो कि थोड़ा येलोइश कलर का है और दूसरे होस्ट प्लांट की तरफ चारों तरफ से ऐसे लिपटे हुए हैं और अपने होस्टोरिया या फिर चूसने वाले जो ऑर्गन है उसकी सहायता से अपना पोषण प्राप्त करता है। इसे अमरबेल कहते हैं हिंदी में बच्चों, आप लोगों ने आमतौर पर अपने तरह आसपास देखा होगा। और इसका एक नाम और होता है आकाशबेल, कुशकुटा का। तो ये एक पैरासिटिक प्लांट है। ऐसे बहुत सारे और भी पैरासिटिक प्लांट होते हैं, कुछ ऑर्किड्स भी पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ऐसे लगे रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि टिक्स हो गए, माइस, जो लाइस जो जीव हमारे आपके शरीर के ऊपर बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, जुएं, ऐसे ही लीच देखा होगा, जोंक जिसे आम भाषा में कहते हैं, ये एक्टोपैरासाइट हैं। मॉस्किटो भी जैसे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमारे शरीर से बाहर से खून चूसता है तो एक्टोपैरासाइट हो गया। तो मतलब पैरासाइट में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक्टोपैरासाइट हो गए, कुछ इंडोपैरासाइट हो गए, ये जीव जंतुओं की बात हो गई। लेकिन प्लांट के केस में कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेम पैरासाइट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रूट के ऊपर पैरासाइट होते हैं, तो वो टोटल स्टेम पैरासाइट हो सकते हैं, टोटल रूट पैरासाइट हो सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ से अपने पोषण को प्राप्त कर रहा है। जी, ऐसे ही बच्चों आपने देखा, जी मैम, ऐसे बच्चों आपने देखा होगा कि हमारे आपके शरीर में कुछ विशेष प्रकार के, जैसे आमतौर पर आप जब स्कूल में देखते होंगे कई बार एक ड्राइव चलाई जाती है कि कीड़े मारने वाली दवा खाइए। एक्चुअली वो कीड़े मारने वाली दवा, वो राउंड वॉर्म होते हैं या कुछ इस प्रकार के और एस्केल हेलमेंथीज के मेंबर होते हैं जो आपके पेट में इंडो पैरासाइट के रूप में रहते हैं। मतलब आपके शरीर से वो अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं, आप जो खाते हैं उस खाने के से अपना भी वो भोजन लेते रहते, वो इंडो पैरासाइट हो गए। ऐसे ही एक मलेरियल पैरासाइट होता है जो मलेरिया के लिए जिम्मेवार होता है और मॉस्किटो से फैलाता है, उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये एक प्रोटोजोअन। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन प्राप्त करने वाले जीव जंतु हुए। इसके अलावा अभी आपने हमें इंडो पैरासाइट के बारे में बताया, क्या इंडो पैरासाइट ह्यूमन बींग्स के लिए खराब होते हैं, क्योंकि एट द एंड वो एक पैरासाइट है? जी, इंडो पैरासाइट मैम इसलिए खराब होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि हम और आप लोग जो भोजन लेते हैं तो उस भोजन का जो डाइजेस्टेड कुछ भाग वो इंडो पैरासाइट अपने पोषण के लिए भी शरीर के अंदर लेता रहता है। मतलब जो भी हमने भोजन लिया वो पूरा भोजन हम लोग उसे उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे आपके शरीर में ये इंडो पैरासाइट के रूप में जो परजीवी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपने राउंड वॉर्म जिसे हम एस्केरिस कहते हैं ये पाए जाते हैं, ऐसे ही चुन्ना वॉर्म होते हैं जिसे ये अलग अलग एस्केल हेलमिंथीज के कुछ मेंबर होते हैं जो इंडो पैरासाइट होते हैं, ये शरीर के अंदर रहकर और हमारे शरीर से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ये लेते रहते हैं। तो आमतौर पे ऐसे बच्चे एनीमिक होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, या उनको अच्छे से खाना खाने के बावजूद भी उनकी प्रॉपर ढंग से शारीरिक ग्रोथ नहीं होती है, तो इसलिए ये हार्मफुल हैं और ये कई बार एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी क्रिएट करते हैं। जी, अगर न्यूट्रिशन में ही मैम आगे बढ़ें तो एक प्रकार का न्यूट्रिशन ऐसा भी होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड दे डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। मतलब डायरेक्टली भोजन लिया, जैसे कि अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, या कुछ प्रकार की बर्ड्स या फिश मछलियां हुई, और हम इंसान भी होलोजोइक, इसे हिंदी में कहते हैं जंतु संभोजी पोषण, मतलब जंतुओं के समान भोजन प्राप्त करना, तो इसके एग्जाम्पल में ये आए। तो अब हम अपने बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में बताना चाहेंगे।
ये हमारे बच्चों के मन में बात उठ रही होगी कि ये एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म पोषण प्राप्त करता है। जैसे कि अगर हम कहें कि इन केस ऑफ द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग द फूड एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द इंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग सो देयर इज द एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी बिगिंस एज द ऑर्गेनिज्म बिकम कॉम्प्लेक्स सो लाइक द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीज सो द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स लाइक द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सो ऑल द सेल्स मे नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट दैट इज वाई दे नीड स्पेशल स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द देयर सर्वाइवल लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक द एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक द रिप्रोडक्टिव एंड लाइक द ट्रांसपोर्ट और द सर्कुलेटरी सिस्टम सो एज द प्लांट्स आर कंसर्न सो प्लांट आर यूजली ऑटोट्रॉपिक माई स्टूडेंट्स एंड दे प्रिपेयर देयर फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोगों ने छोटी क्लास में भी ये पढ़ा होगा, फोटो मीन्स होता है बच्चों लाइट एंड सिंथेसिस माने होता है टू फॉर्म। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। सबसे पहली बात तो ये हुई कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस दैट इज ए ग्रीन कलर पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। द वर्ड क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ क्लोरा एंड फिल, फिल मीन्स लीप, क्लोरो मीन्स ग्रीन। सो ये एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कलर देता पत्तियों को, ये हरे कलर का जो अब देखते हैं हम लोग पत्तियों में वो क्लोरोफिल के कारण होता है। सो जो भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधा जो भी ग्रीन प्लांट या ट्री हैं वो अपने अंदर बनाते हैं और जरूरत से ज़्यादा जो भी बन गया भोजन उसको स्टार्च के रूप में हमारे आपकी बॉडी में स्टोर कर लेती है। इसको आप बच्चों ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम और आप लोग भोजन लेते हैं और कई बार हम लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते तो हमारी बॉडी क्या करती, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है उसको हमारी बॉडी या तो लीवर में या मसल में एनिमल स्टार्च जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में उसे स्टोर कर लेती है। ऐसे ही पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बन जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। कई बार आपसे बच्चों ये इक्वेशन पूछ दिया जाता है और ये इक्वेशन को अच्छे से आपको याद कर लेना है जिसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के जब 12 मॉलिक्यूल वाटर से जुड़ेंगे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सो इट विल फॉर्म द C6H12O6 विच इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज ए बाई प्रोडक्ट। और ये वही ऑक्सीजन है तानवी मैम जो मैं और आप ले रहे हैं, मतलब दुनिया पे जितने भी हरे भरे पौधे ट्री पाए जा रहे हैं ये अब हमें और आपको ऑक्सीजन देते हैं और हम अपने शरीर में ऑक्सीजन को ले जाते हैं और जो भी भोजन हम लोगों ने खाया उसको डाइजेशन के बाद सेल में जाता है और वहाँ पर कंबशन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो हम बाहर निकालते तो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते, CO2 को कार्बन पौधा फिर एब्जॉर्ब कर लेता है 6CO2 जैसा कि इक्वेशन में हमारे बच्चे देख रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो ग्रीन ट्री और ग्रीन प्लांट्स होते हैं दीज आर नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट, धरती के फेफड़े कहते हैं। जी सर, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इनहेल करता है? ऑर्गेनिज्म सब पौधे ऑक्सीजन भी लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, सभी ग्रीन प्लांट लेते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन तो नॉर्मली होता ही है जी। सभी पौधों में मेरे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है तो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, पौधों में भी रेस्पिरेशन हो रहा है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो रेस्पिरेशन तो कर ही रहे ऑक्सीजन तो ले ही रहे लेकिन पौधों में एक और अलग प्रोसेस होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो मेरे अंदर नहीं होती, आपके अंदर नहीं होती क्योंकि मेरे आपके अंदर ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये होता है। लेकिन एक युगलीना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एनिमल में भी रखा गया और उसके अंदर ये भी देखा गया है कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, भोजन भी बना लेता है और भोजन के लिए डिपेंडेंट भी रहता है दूसरों पे, मतलब तो दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन शो करता है
मतलब पैरासिटिक भी और ऑटोट्रॉपिक भी, तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसे कह देते हैं जी। हमारे बच्चे थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, क्योंकि देयर आर थ्री स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तीन स्टेप होते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में राइट हैंड साइड देख रहे होंगे कि एक लीफ का हमने आपको डायग्राम क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ एनसीईआरटी बुक से ही लिया है आपकी, और आपने देखा होगा किसी लीफ में बीच में एक प्रोमिनेंट मिड रिब होती है, और उसमें एक्चुअली जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम का काम है वाटर और मिनरल का कंडक्शन करना, फ्लोएम का काम है फूड का कंडक्शन में मदद करना। सो जाइलम और फ्लोएम टुगेदरली कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर सेल्स आर फाउंड, बट देयर आर सम स्पेशल स्ट्रक्चर आर आल्सो फाउंड, दोज स्ट्रक्चर आर नोन एज स्टोमेटा। तो हम लोग स्टोमेटा पे अभी पहुंच रहे हैं बच्चों, लेकिन हम अगर देखें फोटोसिंथेसिस के दौरान ये तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो प्लांट है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब क्लोरोफिल में एक इस प्रकार के लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स होते हैं, कुछ इस प्रकार के और मशीनरी पाई जाती है जो कि सन की लाइट को एब्जॉर्ब करती है, ये आप 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे। और दूसरे स्टेप में जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल बॉन्ड के रूप में उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। एंड उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, जिसे हम कहते हैं लाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना, जिसे हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और इसके आधार पर फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलते हैं, और फिर जो हाइड्रोजन निकला ये जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब करते उसका रिडक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये हमारे बच्चे देख पा रहे होंगे, ये एक प्रकार का एक सिंपल सा डायग्राम है जिसके द्वारा समझाने की कोशिश की गई कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर एक मशीनरी होती है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, फिर क्लोरोफिल के अंदर लाइट एनर्जी तब्दील होती है केमिकल एनर्जी में, फोटोलिसिस ऑफ द वाटर होता है और रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके आधार पर फिर भोजन बनता है। जी सर, एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उसे ब्रीफ में आंसर दीजिएगा। जब हम ब्रश नहीं करते तो दिखता है कि ना कीड़े, सब पेरेंट्स कहते हैं और डेंटिस्ट भी कहते हैं कि आपके दांत में कीड़े हो गए हैं, क्या वो कीड़े जो हैं वो लाइफ की कैटेगरी में आते हैं? नहीं नहीं, बैक्टीरिया होते हैं वो, तो बैक्टीरिया होते हैं कुछ विशेष प्रकार के। तो जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों में फूड पार्टिकल, शुगर पार्टिकल ये रह जाते हैं, जैसे हमने आपने कैंडी खा के अगर तो ऐसे ही मुँह को अच्छे से साफ नहीं किया, ब्रश नहीं किया, तो वो शुगर सबस्टेंस जो चिपका रह जाता है दांत की ऊपरी वाली सरफेस पर, इनेमल पर, तो बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं, वो एसिड बनाती हैं एक प्रकार का, जो एसिड फिर ये हमारा जो दांत की सबसे हार्ड सरफेस होती है जो बच्चे देखते हैं क्राउन के रूप में, जो इनेमल की बनी होती है, इट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस जो कि हमारी दांत में पाया जाता, जो कि आप देख रहे होंगे सबसे बाहर होता है, तो वो एसिड धीरे धीरे इसको डिग्रेड करने लगता है इनेमल को। और जब हम लोग चूंकि दांत साफ नहीं किए तो उसके बाद जो फूड पार्टिकल हैं और बैक्टीरियल मैस है, जो फिलामेंटस बैक्टीरिया है, वो दांत के बाहर एक डेंटल प्लेट बना देती है, एक लेयर बना देती है, तो और हमारे मुंह में आप जानते हैं कि सेलाइवा भी बनती है जी। तो वो सेलाइवा फिर हमारे इनेमल तक नहीं, वहां तक जहां वो बैक्टीरिया एसिड को सिक्रीट कर रहे वहां तक नहीं जा पाती है, क्योंकि सेलाइवा अगर पहुंच जाए तो वो उनको न्यूट्रलाइज कर देगी, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी, और इस वजह से जब सेलाइवा वहां नहीं पहुंच पाती डेंटल प्लेट के कारण, तो फिर दांतों में धीरे धीरे डेंटल प्लेक कोरोजन, मतलब हम कह सकते हैं दांतों में कैविटी बनने लगती, दांत खराब होने लगती, इनेमल डिग्रेड होने लगता, और इसके आधार पर दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी भोजन करें हमारे बच्चे तो दांतों को जरूर साफ करें, जिससे कि कोई भी शुगर सबस्टेंस या फूड पार्टिकल दांतों पर लगाना रह पाए, और इसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ, प्रोटोजोअन ग्रोथ ना हो, और जिसकी वजह से हमारे दांत खराब ना हो। अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी इसी एडवाइस के साथ हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। लाइफ प्रोसेसेस से जुड़ी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, और बच्चों को ये चैप्टर भी पढ़ाया, और बहुत सारी बातें भी आपने बताई जो बच्चों के लिए नई थी। बेहद धन्यवाद सर, आज हमारे साथ आप जुड़े, अपना समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि सर ने हमें आखिरी में बताया कि हर बार खाने के बाद ब्रश ज़रूर करना चाहिए ताकि दांत में कोई कैविटी ना हो, इसलिए आप सभी ब्रश ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी व्यक्ति हो, सिर्फ बच्चे नहीं, हर किसी को खाने के बाद ब्रश ज़रूर करना चाहिए। इसी जानकारी के साथ, इसी नॉलेज के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। और आने वाला जो अगला कार्यक्रम है उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा ई विद्या चैनल्स पर। अगला कार्यक्रम है हिंदी का, कक्षा 10 के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं सूरदास के पद। तो कोई सवाल हो तो हम तक बिल्कुल पहुंचाइएगा, हम इंतजार करेंगे। इसी के साथ मैं हूं तन्वी खुराना, आप सभी से मांगूंगी इजाजत। आप अपना ध्यान रखिए एंड हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू वंस अगेन, नमस्कार।